करते हुए कुछ नई तरह के व्यंजन बनाऊंगी, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए हम जो बनाना शुरू करते हैं वो है मसाला कबाब, जिसके लिए हमें चाहिए उबले हुए राजमे जो कि हमने पहले से उबाल के रखा है, स्वाद अनुसार नमक, ब्रेड, दही जिसमें हमने नमक और मिर्चा पहले से मिला के रखी है, एक चम्मच देसी घी, आधा नींबू का रस, कुछ कटे हुए प्याज, थोड़ा सा चाहिए हमें लाल मिर्च और कुटी हुई कुछ काली मिर्च। इसके अलावा इसको और स्वादिष्ट बनाने के लिए हमने ये कुछ कैट्स मसालों का इस्तेमाल किया है। तो चलिए हम लोग बनाना शुरू। तो चलिए इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो उबले हुए राजमे हैं उसको हमें सबसे पहले किसी मैशर की सहायता से इसको मैश करना, जिसमें को अच्छी तरह से मैशर की सहायता से इसको मैश कर लिया। अब हम इसमें मसाले मिलाने शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमने देसी घी लिया है, हम इसमें एक चम्मच देसी घी डाल दिया है। ये देखिए देसी घी हमने डाला। ये जो हमारा ब्रेड क्रम्स है, हम इसमें ब्रेड क्रम्स डालेंगे ताकि अच्छी तरह से बाइंडिंग हो सके। इसके अलावा हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे या अपने स्वाद अनुसार खुद डाल सकते हैं नमक। अब हम इसमें डालेंगे बाकी की चीज़ें। ये कटे हुए प्याज डालेंगे, थोड़ी लाल मिर्च डालेंगे, ये भी आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, थोड़ी कुटी हुई काली मिर्च रहेगी। और इसके अलावा अब हम इसमें डालेंगे ये नींबू का रस। इन सब चीज़ों से स्वाद बहुत अच्छा होता है। और अब इन चीज़ों को और अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए अब हम जो इस्तेमाल खास तौर से करने वाले हैं वो है इन कैट्स मसालों का इस्तेमाल। तो इसमें हम सबसे पहले कैट्स का किचन किंग मसाला इस्तेमाल करेंगे। किचन किंग मसाला बहुत अच्छा है और आप सब्जी में डालिए या स्नैक्स में डालिए तो इसका स्वाद ही बहुत अच्छा आता है। केवल डालने में ही इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। हम किचन किंग मसाला डाला, इसके अलावा अब हम इसमें डालेंगे ये चना मसाला, कैट्स का चना मसाला, थोड़ा सा एक चौथाई स्पून कैट्स मसाला इसका डाला मैंने। फिर अब हम डालेंगे ये टेस्ट ऑफ मैजिक। ये तो ऐसा है कि आप किसी भी सब्जी में डाल दीजिए, किसी भी स्नैक्स में डाल दीजिए नमकीन, तो इसका स्वाद अपने आप बढ़ जाता है। ये भी हम केवल एक चौथाई स्पून इसका। अब हमने ये सब चीज़ें डाल के अब इनको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। देखिए ये सारा मिक्सर अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है, इसमें सारे मसाले अच्छी तरह से मिल गए हैं। अब हम इनके छोटे छोटे से कबाब बनाते हैं। ये देखिए हमने छोटे छोटे से ऐसे गोले ले लिए, इस तरीके से गोले लेने और हाथ से ऐसे टिक्की का कबाब का इस तरीके से शेप लेना। ये देखिए हमने बनाए इसी तरह से ही, मैंने कुछ और ये बना के पहले से रख लिया। ये देखिए और दूसरी तरफ हमने तवे को भी अपना गरम होने के लिए रख दिया है। ये हमने मध्यम आंच पे रखा है ताकि ये हल्के हल्के गरम हो जाए। अब ये देखिए हमारा तवा गरम हो गया है और इसमें मैंने हल्का सा रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और अब हम इन कबाब को इसके ऊपर सेकेंगे। ये देखिए ये मैंने एक एक करके इसके ऊपर कबाब को डाले। ये ये मध्यम आंच पे धीमे धीमे सिकेंगे, कम से कम इनको 7 से 8 मिनट तक आपको धीमी आंच पे सिकेंगे। ये देखिए, ये देखिए अब हमारे कबाब नीचे से सिकना शुरू हो गए हैं। अब इनको हम पलटेंगे। ये देखिए इनको पर धीमे धीमे पलटी हुए कबाब होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। ये देखिए सिकना शुरू हो गए हैं तो अभी इनको हम धीमे धीमे पलट के दूसरी तरफ से। अब हमारे कबाब जो है लगभग तैयार है। देखिए कितने अच्छे सिके हैं और इनकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। और इस खुशबू का जो कमाल है वो आया है कहाँ से, इन कैट्स मसालों से। ये देखिए ये इन कैट्स मसालों से ही इतनी अच्छी खुशबू आ रही है हमारे कबाब की। मन कर रहा है कि बस जल्दी से पक जाए और हम लोग खा लें। हमारे कबाब तैयार है, पूरी अच्छी तरह से सिक गए हैं। अब हम इनको प्लेट के ऊपर निकालते हैं। ये देखिए हमारे कबाब पूरी तरह से तैयार है, मसाला कबाब। और इनको और अच्छा स्वादिष्ट बनाने के लिए हम इसमें ये दही का ये इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हमने पहले शुरुआत में बताया था थोड़ा सा नमक और मिर्च डाल के रखा था। अब इन दही को इन कबाब के ऊपर डालते हैं। तो ये ठंडी 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 सी दही और उसके संग गर्मा गर्मा आपके कबाब। अब ये आपके ऊपर
बताया कि आप इसमें क्या चीज नींबू डाल के खाइए, जैसा खाइए वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब वैसे भी इसमें इतने मसाले मिले कि अब इसके अलावा इसमें किसी और चीज की जरूरत नहीं। ये देखिए, ये हमारे हैं मसाला कबाब।